हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं न्यू टॉपिक, ड्रग्स एंड देयर अब्यूजेस। कैसे आज की जो जनरेशन्स है, वैसे देखा जाए कि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में आप भी जानते हैं एनसीईआरटी बेस्ड बात आती है, एग्ज़ाम्स भी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो यूथ में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ड्रग्स का कैसा एकदम चलन चला हुआ है यूथ में, सबसे ज़्यादा ड्रग्स को लेके है। अगर हम उसको प्रॉपर गाइडेंस दें तो इसको सेफ गार्ड बन सकता है। एजुकेशन यानी अवेयरनेस हम फैलाएं तो अच्छे से कोई भी यूथ उस पर ना भटके, उसका सेफ गार्ड बन सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन से ड्रग्स के बारे में एनसीईआरटी बात करती है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उस प्लांट्स का नाम क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हम ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ओके, ड्रग्स जो हमारा टॉपिक हमारा ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी जो कहता है कि अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सर्वे होता है, उसमें देखा जाता है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू इंडिया और सर्वे फॉर्म किया गया, और उस सर्वे में देखा गया कि पहली बात जो ड्रग एंड अल्कोहल है, सर्वे किया गया तो देखा गया जो ड्रग्स एंड अल्कोहल रिचेज, स्पेशली किसमें कहाँ पहुंच चुका है सबसे ज्यादा, रिचेज स्पेशली, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला था स्पेशली अमंग यूथ में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ड्रग्स और अल्कोहल रिचेज स्पेशली इन अमंग यूथ, यूथ में सबसे ज़्यादा है इस समय। ये किसने बताया, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और दूसरी बात भी लिखी गई है कि अगर प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर अगर हम गाइडेंस दें और प्रॉपर एजुकेशन दें, अगर प्रॉपर गाइडेंस हो तो सेफ गार्ड हो सकता है, ये किसी भी यूथ के लिए सेफ गार्ड, द स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को सेफ गार्ड की तरह वर्क करेगा। तो आपको याद रखना है कि इस चीज़ की लत नहीं लगानी है। ड्रग्स एंड अल्कोहल्स ये बहुत ही हमारे लिए डेंजरस होते हैं, जैसे कहते हैं ना इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रग्स एंड अल्कोहल क्या होता है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, हमें भी पता है ये बात, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, उससे कितना नुकसान है आपको पता है। जब भी आप ये सब चीज़ें करें तो उससे पीछे फैमिली को जरूर सोचें। तो यूथ में सबसे ज़्यादा है, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए और सेफ गार्ड द स्टूडेंट्स जो होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, ड्रग्स कहलाते हैं इसको, ड्रग्स कहते हैं। तब इसको हम ड्रग्स कह सकते हैं, ड्रग। लेकिन अगर हम इसको अब्यूज़ करते हैं सही से ना लेकर के, हम मेडिकल पर्पज से ना लेकर के इसको हम अब्यूज़ करें, यानी आप कह सकते हो कि बट अदर देन मेडिकल यूज़ कॉल्ड ड्रग अब्यूज़ कहेंगे हम ड्रग
अब्यूज। देखो ड्रग कब कहेंगे, जब उसको मेडिसिनल पर्पज से लिए इस्तेमाल करते हैं, और ड्रग अब्यूज कब कहेंगे, जब उसको मेडिसिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल ना करके किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर कि ड्रग अब्यूज जितने भी हैं आज, ड्रग अब्यूज कॉमनली कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो होते हैं आजकल यूज कॉमनली आर 3 है। एक ओपियोइड है, ओपियोइड्स, दूसरा है कैनाबिनोइड्स, कैनाबिनोइड्स, और तीसरा है कोका एल्कोलॉइड, कोका एल्कोलॉइड, कोका एल्कोलॉइड्स। क्लियर? तो हम पहला देखेंगे, सबसे पहले ओपियोइड क्या है, ओपियोइड का दूसरा नाम क्या है, उसको किस किस तरह से यूज करते हैं, किस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। हम पहले देखने आ रहे हैं ओपियोइड्स, ओपियोइड्स। देखो ये क्या करता है, ओपियोइड्स सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे सीधा बाइंड करता है। तो ये हमारे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, कहाँ पे, स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक एंड रिलीज, क्या करते हैं, एंड रिलीव करते हैं, एंड रिलीव द पेन। इसीलिए दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग भी बोलते हैं, और या पेन किलर भी कह सकते हो आप इसको। तब जो ओपियोइड्स होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आके बाइंड कर जाते हैं, या हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से बाइंड करते हैं और पेन को रिलीव देते हैं, अगर आपके बॉडी में पेन है उसको रिलीफ देंगे, ठीक है, और इसीलिए इसको एनाल्जेसिक पेन किलर भी कहते हैं या एनाल्जेसिक केमिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट मॉर्फिन के फॉर्म कहते हैं, इनको मॉर्फिन कहा जाता है, मॉर्फिन, ठीक है। व्हाट इज मॉर्फिन, आप देखेंगे मॉर्फिन क्या है, ओपियोइड का सबसे पहला पार्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ, किसे, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट कॉल्ड पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनी, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। मॉर्फिन जो होते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से मिलते हैं, इस पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम है, इट इज वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, इट इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर के लिए। इसको पेन किलर में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, सेडेटिव एंड किसी भी दर्द में, किसी भी तरह के दर्द में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है मॉर्फिन का। मॉर्फिन पेन किलर, ज़बरदस्त पेन किलर होता है। ओके,
अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एक और चीज में, जब आप सर्जरी करते हैं डॉक्टर, जब आप जब फ्यूचर डॉक्टर बन जाओगे तो जब आप सर्जरी करोगे तो मॉर्फिन वहां पे उस पेशेंट को लगा दिया जाता है जिस पेशेंट को हम सर्जरी कर रहे होते हैं, यानी इट एंड वेरी, आप कह सकते हो एंड वेरी वेरी इफेक्टिव या वेरी यूजफुल फॉर, यूजफुल फॉर पेशेंट अंडर गो, पेशेंट अंडर गो सर्जरी, सर्जरी ओके। दूसरा इसी का एक फॉर्म होता है, डाइएसिटाइलेशन कर देते हैं हम, इसका सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे ये फर्स्ट था, सेकेंड हम देखेंगे। सो कहते हैं हीरोइन, क्या कहते हैं हीरोइन, हीरोइन क्या होता है, व्हाट इज हीरोइन, यानी ओपॉइड, मॉर्फिन जो होता है वो ओपॉइड ही होते हैं और हीरोइन भी ओपॉइड्स होते हैं, यानी ये जो हीरोइन है ये मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन यानी एसिटाइलेशन का फॉर्म में होता है, जैसे ये ऑब्टेन फ्रॉम, आप लिख सकते हो यहाँ नीचे थोड़ा जगह कम होगा, ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन बाय नॉट फ्रॉम, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली देखा जाए पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है, लेकिन ये जो हीरोइन है वो इसके डाइएसिटाइलेशन यानी ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन एक प्रोसेस है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनता है, किससे, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, और ये केमिकली जो होता है, केमिकली देखा जाए इसका नाम केमिकली कॉल्ड डाइएसिटाइल मॉर्फिन, डाइएसिटाइल, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ऑल्सो कॉल्ड स्मैक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं स्मैक, आपने सुना होगा स्मैक। देखो ये हीरोइन जो है ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन है, इसी को हीरोइन कहते हैं, यानी केमिकली हम इसको डाइएसिटाइल मॉर्फिन कह सकते हैं और ऑल्सो कॉल्ड स्मैक, इसको हीरोइन को ऑल्सो कॉल्ड स्मैक, ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्मैक जो होता है ये वाइट इन कलर होता है, वाइट इन कलर, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बिटर होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, और ये कैसे लिया जाता है, टेकन बाय इंजेक्शन एंड स्नोरिंग करके, किसने ना मूवीज वगैरह में दिखाते हैं स्नोरिंग करने से, देखो कैसे लिया जाता है, टेकन, टेकन फ्रॉम या टेकन बाय, एक इंजेक्शन हो गया, टेकन बाय इंजेक्शन और दूसरा स्नोरिंग से, स्नोरिंग इसमें क्या होता है, अफेक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है, स्लो डाउन बॉडी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, स्लो डाउन बॉडी, बॉडी बिल्कुल स्लो डाउन पड़ जाती है एकदम, बिल्कुल आप लेने के बाद एकदम स्लो डाउन हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ओपॉइड्स जो होते हैं स्पेसिफिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, वहाँ पे अगर बॉडी के अंदर जो पेन वगैरह होता है उनको भी आराम देते हैं, लेकिन इसीलिए इनको हम एनालजेसिक ड्रग्स या केमिकल भी कहते हैं, पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मॉर्फिन जो होता है वो लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से पाया जाता है, प्लांट का नाम है पेपावर सोमनीफेरम, और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव फॉर सेडेटिव एंड पेन किलर, जब सर्जरी होता है तो भी ये देते हैं, उसके बाद से हीरोइन जो होता है ये एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन है, तो आप ये कह सकते हो हीरोइन और मॉर्फिन इज अ ओपॉइड, ओके, क्योंकि ये इसका एसिटाइलेशन फॉर्म है, यानी मॉर्फिन का एसिटाइलेशन फॉर्म क्या है, हीरोइन है, और ये क्या करते हैं स्मैक कहलाता है, हीरोइन को स्मैक कहते हैं, ऑर्डरलेस होता है, वाइट इन कलर होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, टेकन बाई ये जो हीरोइन होते हैं वो इंजेक्शन से या स्नोरिंग से लेते हैं और अफेक्ट करते हैं, स्लो डाउन, पूरी बॉडी स्लो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कैनाबिनॉइड्स, ओके, इसको आप नोट डाउन करें। तो जैसा कि हम देख रहे थे ओपियोइड्स, उसका स्ट्रक्चर, प्लांट का स्ट्रक्चर और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम वो देखेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे कैनाबिनॉइड्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, स्ट्रक्चर ऑफ
मॉर्फीन कैसा स्ट्रक्चर इसका दिखता है? इन सेटिंग में स्ट्रक्चर एग्जाम्पल नीट में वो पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, कोई बात नहीं है। एक बार मगप होते, एक बार बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, ठीक है? तो आप एक दो बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा डायग्राम दे करके पूछ लेगा, ये स्ट्रक्चर दे करके पूछ लेगा किसका स्ट्रक्चर है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में पूछा गया, नीट के एग्जाम में ही। तो देखेंगे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और आप याद कर सकते हैं बड़े इजीली तरीके से इसको। ठीक है, एक चेयर मैकेनिज्म है, ठीक, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल है, इस वाले चैन से डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से मिथाइल, ये दो मिथाइल ग्रुप आपको ध्यान रखना है, ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप और बेंजीन का रिंग, आप याद आ जाएगा ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फीन ही है। अब इसका प्लांट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉपी प्लांट है, पॉपी प्लांट है, ओपियम पॉपी, ओपियम पॉपी भी कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओपियम पॉपी कैसा दिखता है ये? कुछ ऐसा। इसका जो यह है, ऐसे इसका फ्लावर जो है पूरा ऐसे दिखता है, लीफ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है काफी, ठीक है? तो ये ओपियम पॉपी है, ये सीड है, उसका फ्रूट है, फ्लावर है, बर्ड है, फ्लावर कहते हैं, बाद में फ्लावर बनेगा, ये बर्ड है, ये फ्लावर है, बर्ड फिर फ्लावर होगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, मॉर्फीन का और पॉपी, ओपियम पॉपी का, यानी ओपियम पॉपी का। दूसरा है हम देखेंगे कैनाबिनॉइड्स, क्या देखेंगे? कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स, तो कैनाबिनॉइड्स क्या है ना, अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स है, एक नहीं है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स है वो, तो अ ग्रुप ऑफ यानी ग्रुप ऑफ केमिकल, केमिकल्स विच, केमिकल्स विच इंटरैक्ट करते हैं आपस में, विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड्स, कैना बिनोइड्स रिसेप्टर से। देखो तो हमारे ब्रेन में कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर का नाम, इसीलिए इसे कैनाबिनॉइड्स बोला जाता है। कैनाबिस प्लांट से भी और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, यानी कैनाबिस जो प्लांट होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, प्रिंसिपली देखा जाए तो प्रिंसिपली, प्रिंसिपली इन ब्रेन में, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, आपको ध्यान रखना है ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और नेचुरल जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, जो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स होते हैं, नेचुरल कैना बिनॉइड, बिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेंड, ऑब्टेंड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस
इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, उसका ऑफ द प्लांट ऑफ कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, किसके, उसके इन्फ्लोरेसेंस, जैसे उसका लेटेक्स से निकाला जाता है, इन्फ्लोरेसेंस से निकाला जाता है, तो इन्फ्लोरेसेंस में कौन सा कौन, तो पूछा है नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ओके लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी अगर हम देखें, इसके अलावा हम देखें इसमें, तो इसके जो फ्लावर होते हैं, देखा जाए द फ्लावर टॉप, इसका फ्लावर टॉप, इसका लीफ, द फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन, इन तीनों से भी द फ्लावर टॉप, रेजिन, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा, या कैनाबिस, या ऐसे कह सकते हो कैनाबिस प्लांट, या कैनाबिस प्लांट, कैनाबिस प्लांट आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड मेनी वेरियस, यानी यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, यानी अब ये समझ लो आप, इसके प्लांट के फ्लैट टॉप से अलग चीज़ निकाली जाती है, रेजिन से अलग बनाया जाता है, और इसके लीव से अलग, तो मेनी कॉम्बिनेशंस हैं, एक नहीं है, यानी जो कैनाबिनॉइड्स है अलग अलग जगहों से अलग अलग स्ट्रक्चर से निकाले जाते हैं, और वो अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, तो जो द फ्लैट टॉप है या लीव्स है या रेजिन्स है ऑफ कैनाबिस प्लांट से आर प्रोड्यूस, आर यूज इन प्रोड्यू, या ऐसे कह सकते हैं आर यूज इन, प्लांट्स आर यूज इन वेरियस, इन वेरियस कॉम्बिनेशन, आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन, एज वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस आर यूज इन कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस, जस्ट लाइक क्या क्या हर्शेज, जैसे हम बात करें कॉम्बिनेशंस, एग्जाम्पल प्रोड्यूस क्या क्या, पहला मैरिजुआना, मैरिजुआना, ठीक है, दूसरा इसमें ही इसी का ही प्रोडक्ट होता है, हैशिश नाम होता है, हैशिश, हैशिश, तीसरा इसी का प्रोडक्ट है, चरस बोलते हैं इसको, और चौथा इसी का प्रोडक्ट है, गांजा बोलते हैं, तो ये जो गांजा, चरस, हैशिश, मैरिजुआना है, इसी का अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कुछ रेजिन से, कुछ लीव से, कुछ फ्लैट टॉप से, कुछ इन्फ्लोरेसेंस से, नेचुरल जैसे कैनाबिनॉइड से निकाला जाता है, तो ये इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं, और इनको लेने का तरीका भी अलग अलग है, टेकन बाय, अगर हम देखा जाए, टेकन बाय देखो, एक तो ओरली ले लें, या इंजेक्शन से लें, ठीक है, या इनहेलेशन से, ऐसे भी चलेगा, इनहेलेशन से भी, इट कॉमनली एंड टेकन, जनरली टेकन बाय, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन, इनहेलेशन कैसे, जनरली टेकन बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन, नॉट इंजेक्शन, इंजेक्शन, ओरली खाएं, अभी इफेक्ट क्या डालते हैं हमारे बॉडी पे, इफेक्ट ऑन वैस्कुलर पे, कहाँ पे, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम पे, वो ब्रेन और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह पे कर रहा, तो स्लो डाउन होती है प्रोसेस, यहाँ पे इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, कार्डियो सिस्टम ऑफ बॉडी पे, और ये कभी कभी देखा गया है कि देखो आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो आपको पता होगा बहुत सारे जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं कभी कभी इसी के अब्यूज़ में पकड़े जाते हैं, तो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, सम स्पोर्ट्स पर्सन ठीक है, एनी, अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स या स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स। स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, इस तरह का स्ट्रक्चर है राइट। वन टू थ्री फोर फाइव मुझे ऐसे याद है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स है, तो ये आपको याद रखना है। और ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, इसमें देखो आप मिथाइल ग्रुप देख पाओगे, एक बेंजीन का, यहाँ पे भी कंप्लीट बेंजीन है लेकिन OH ग्रुप है आपके पास। स्ट्रक्चर आप पहचान जाओगे बड़े आसानी से, और स्ट्रक्चर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लीफ का स्ट्रक्चर NCERT में बनाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी लीफ ऑफ कैनाबिस सटाइवा। जैसे देखा जाए ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये लीफ है इसका। तो हमने कैनाबिनॉइड्स खत्म किया, इससे पहले हमने ऑपोइड्स खत्म किया था, उसका स्ट्रक्चर है, उसका प्लांट का स्ट्रक्चर है, इसका हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे कोका एल्कलॉइड्स, आप इसका नोट डाउन करो।